हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 70s के दशक की एक हॉलीवुड मूवीज़ की। अगर अपने हिंदी सिनेमा की बात करें तो 70s के दशक की कुछ सुपरहिट मूवीज़ के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे पाकीजा हो, डॉन हो, अमर अकबर एंथनी हो या फिर शोले हो। लेकिन 70s के दशक की हॉलीवुड मूवीज़ आखिर कैसी होती थी, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मूवी स्टार्ट होती है 18 अगस्त 1973 में। सीन शुरू होता है और बताया जाता है टेक्सास में कब्र चोरी की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब कोई कब्रों को खोदकर उनमें से डेड बॉडीज़ को चुरा रहा है और कुछ डेड बॉडीज़ की हालत को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये काम किसी साइकोपैथ का हो। इसके बाद हम 5 लोगों को एक साथ देखते हैं जिसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में कमेंट्री करते हुए बताया जाता है। इन लोगों में शेली और उसका भाई फ्रैंकलिन और उनके दोस्त जेरी और उसके फ्रेंड किक और उसकी गर्लफ्रेंड पैम होती है। ये सब टेक्सास आए होते हैं शेली के ग्रैंडफादर की कब्र को देखने के लिए कि वो अभी तक सही सलामत है या नहीं। उसके बाद सब लोग कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर की कब्र अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कब्र देखने के बाद सब लोग शैली के ग्रैंडफादर के पुराने घर जा रहे होते हैं जहाँ शैली के ग्रैंडफादर रहा करते थे। रास्ते में सबको एक स्लॉटर हाउस दिखाई देता है। इस पर फ्रैंकलिन सबको बताता है कि उसके अंकल और वो एक स्लॉटर हाउस में काम करते थे। वो ये भी बताता है कि वहाँ पे जानवरों को किस तरीके से काटा जाता है। फ्रैंकलिन डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा होता है। तभी थोड़ी दूर आगे उन लोगों को एक अजीब सा आदमी मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। वो लोग उसे कार में बिठा लेते हैं। वो उन सबको बताता है कि उसके भाई और वो उस स्लॉटर हाउस में काम करते थे जो सब लोगों को पहले रास्ते में दिखा था, और वो बाकी लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाता है जिसमें जानवरों को काटते हुए दिखाया गया था। ये इमेजेस देखने में काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी वियर्ड फील करने लगते हैं। इसके बाद वो अजीब सा आदमी फ्रैंकलिन से चाकू छीनकर अपने हाथ पर कट लगा लेता है जिस वजह से उसके खून निकलने लगता है। वहाँ मौजूद सब लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो अजीब अजीब हरकतें भी करने लगता है। वो फ्रैंकलिन की एक फ़ोटो खींचता है और वो फ्रैंकलिन को ही उसको $2 में बेचने लगता है। इस पर फ्रैंकलिन उसको लेने से मना कर देता है तो वो फ़ोटो को जला देता है और अचानक से फ्रैंकलिन के हाथ पर चाकू से कट मार देता है। इस पर सब लोग उस इंसान से तंग आकर उसको गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और दौड़कर उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश करता है। वो अपने खून से गाड़ी पर कुछ निशान भी बना देता है। वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वो लोग उस गैस स्टेशन के मालिक से शैली के ग्रैंडफादर के पुराने घर का रास्ता पूछते हैं और उस घर की तरफ चले जाते हैं। वो घर अब एक खंडर के रूप में बदल चुका होता है। सब लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो वो देखते हैं उस अजीब आदमी ने उनकी गाड़ी पर एक सिंबल बना दिया होता है। जेरी उस सिंबल का मतलब बताता है। वो सबको बताता है सिंबल का मतलब है कि मैं तुम लोगों को ढूंढ लूँगा। ये सुनकर फ्रैंकलिन थोड़ा डर जाता है। बाकी सब लोग उस घर में घूमने लगते हैं, लेकिन घर की हालत बहुत ख़राब होती है। वहाँ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें भी होती हैं। कर्क और पैम फ्रैंकलिन के बताए हुए तालाब को ढूंढने निकल जाते हैं। वो जब उस तालाब के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तभी उन दोनों को कुछ सुनाई देता है। वो लोग जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है पास में ही एक घर है और वहाँ जनरेटर चल रहा होता है जिसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही होती है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई रहता होगा, इसलिए वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। और उस घर के आसपास भी काफ़ी सारी अजीब सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि खराब और कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियाँ और पेड़ों पर लटके हुए कुछ अजीब और गरीब कपड़े। वो दोनों इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर जाते हैं और किसी को आवाज़ लगाते हैं, पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी कर्क को फर्श पर एक सड़ा हुआ दांत दिखाई देता है। वो पैम को ये दिखाता है, लेकिन पैम इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन कर्क उस घर में घुस जाता है। अंदर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे जानवरों के सर लगे हुए होते हैं। कर्क जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है अंदर से लेदर फेस आ जाता है और कर्क के सर पर एक हथौड़ा मार देता है।
वो जमीन पे गिरकर तड़पने लगता है। तभी लेदर फेस उसे दूसरा हथौड़ा मारकर उसे जान से मार देता है। उसके बाद लेदर फेस दरवाजा बंद कर लेता है। अब कर काफी देर से बाहर नहीं आया होता है, इसलिए पैम अंदर उस घर में कर को ढूंढने जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक कमरा दिखता है। उसके अंदर जाने पर उसे पता चलता है उसमें केवल हड्डियां पड़ी होती हैं, हड्डियों से बनी टेबल, चेयर और अन्य डेकोरेशंस के आइटम। लेकिन इन सब में अजीब बात ये होती है कि ये सारी चीजें केवल हड्डियों से बनी होती हैं और ये हड्डियां देखने में बिल्कुल इंसानों की हड्डियों जैसी लगती हैं। पैम को ये सब देखकर काफ़ी घबराहट होने लगती है और वो वहाँ से ज़ोर से भागने लगती है। तभी लेदर फेस उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसको चेस कर लेता है और उसे पकड़कर बाहर से अंदर ले आता है। अंदर लाने पर वो पैम को लकड़ी से बांधकर टांग देता है और उसी के आंखों के सामने कर्क को काटने लगता है। उधर उसके दोस्त काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें निकले हुए काफ़ी समय हो चुका था। आखिर में जेरी उनको ढूंढने जाता है और वह भी भटकते हुए उसी घर में घुस जाता है। जब उसे घर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो भी अंदर चला जाता है। अंदर उसे फ्रीजर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे खोलता है तो उसे पैम मिलती है। इससे पहले कि जेरी को कुछ समझ आए तभी वहाँ लेदर फेस आकर उस पर हथौड़े से वार कर देता है। इसके बाद पैम को फिर से फ्रीजर में बंद कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि लेदर फेस काफ़ी परेशान नज़र आता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सारे लोग कौन हैं जो एक एक करके उसके घर में घुस रहे हैं। दरअसल लेदर फेस किसी को जान पूछ कर नहीं मार रहा होता है, वो उन लोगों को मार रहा होता है जो उसके घर में बिना पूछे घुस आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई साइको है, इसको पता नहीं होता कि ये क्या कर रहा है और वो सोचने लगता है कि उसके घर में आखिर और कितने लोग आएंगे। अब दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और उधर सिर्फ शैली और फ्रैंकलिन ही बचते हैं। वो लोग उन सबका इंतजार कर रहे होते हैं। शैली को अपने दोस्तों की चिंता हो रही होती है लेकिन फ्रैंकलिन उससे कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। इस पर शैली नहीं मानती है और वो उन लोगों को ढूंढने के लिए जाती है। इस पर ना चाहते हुए भी फ्रैंकलिन को भी उसके साथ जाना पड़ता है। अब वो लोग रात में आवाज़ लगाते हुए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वो घर दिखाई देता है। अभी वो लोग वहाँ जाने की सोच ही रहे होते हैं तभी उनके सामने अचानक से लेदर फेस आ जाता है और फ्रैंकलिन को आते के साथ ही चेनसो से काट डालता है। ये सब देखकर शैली के होश उड़ जाते हैं और वो भागते भागते उसी घर की तरफ चली जाती है। लेदर फेस भी उसके पीछे पड़ा होता है। अब बचने के लिए शैली घर के अंदर घुस जाती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जिनमें से एक औरत होती है जो कुर्सी पर पड़ी पड़ी ही मर चुकी होती है और दूसरा एक बुड्ढा होता है जो एक कुर्सी पर बैठा होता है। उसकी शरीर की चमड़ी पूरी तरह से गल चुकी होती है और वो कुर्सी पर बैठा बैठा झूल रहा होता है। शैली डरते हुए नीचे की तरफ भागती है लेकिन नीचे लेदर फेस खड़ा हुआ होता है। यह देखकर शैली वापस ऊपर की तरफ भागने लगती है और लेदर फेस से बचने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाती है और भागते भागते वो गैस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो ड्रिटन को सब कुछ बता देती है। ड्रिटन वही आदमी होता है जिससे सारे दोस्त पहले गैस भरवाने आए थे। अब ड्रिटन अपना ट्रक लेने जाता है ताकि वो पुलिस के पास शैली को पहुँचा सके। अब दिखाते हैं जब वो ट्रक लेकर आता है तो साथ में एक रस्सी और बड़ी सी बोरी भी लेकर आता है। फिर वो शैली को ज़बरदस्ती रस्सी से बांधकर बोरी में डाल देता है। वो उसे ट्रक में लादकर कहीं ले जा रहा होता है। वो उसे वापस उसी घर की तरफ लेकर आ जाता है। जैसे ही वो ट्रक रोककर नीचे उतरता है तो वहाँ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने पहले इन सब दोस्तों से लिफ्ट मांगी होती है। ड्रिटन ट्रक से उतरकर उसे मारने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह अजीब सा आदमी वही होता है जो कब्रें खोदकर उनके अंदर से डेड बॉडीज को चुरा रहा था और वो ये काम केवल और केवल अपने फन के लिए कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों शैली को लेकर घर के अंदर पहुँचते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों बदमाश आपस में भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा गैस स्टेशन का मालिक और दूसरा जो कब्र को खोदता है
और तीसरा लेदर फेस होता है। ड्रेटन वहाँ पहुंचकर लेदर फेस को काफ़ी डांटता है क्योंकि उसने इतनी आसानी से शैली को वहाँ से जाने दिया। उसके बाद वो लोग शैली के हाथ को ऊपर करके बांध देते हैं और वो लोग अपने ग्रैंडपा को ले आते हैं जो कि 124 साल का होता है। ये वही बूढ़ा होता है जो कुर्सी पर पड़ा होता है और जिसकी स्किन पूरी तरह से गल चुकी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा सिर्फ खून पी के ही जिंदा रहता है। वे लोग उस बूढ़े को शैली का खून पिला रहे होते हैं जिस वजह से शैली बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है। यहाँ उसका हाथ दो अन्य हाथों के साथ बंधा हुआ होता है। उसके सामने लेदर फेस की पूरी फैमिली बैठी होती है। यहाँ पर लेदर फेस का मास्क अब बदला हुआ नजर आता है। यहाँ पर उसकी सारी फैमिली इंसानों का मांस खा रही होती है। यहाँ पता चलता है कि ड्रेटन हत्या नहीं करता था, मारने का काम केवल और केवल उसके ग्रैंडफादर का था जो 124 साल का बूढ़ा था। अब समय आता है शैली को मारने का। वो लोग इस बूढ़े को शैली को मारने के लिए लाते हैं और उसके हाथ में एक हथौड़ा देते हैं जिससे वो शैली को मार सके। लेकिन उसके हाथ से हथौड़ा चल ही नहीं रहा होता है। बार बार उसके हाथ से वो हथौड़ा गिर जाता है। फिर वो लोग उसे हथौड़ा वापस उठा कर देते हैं लेकिन वो फिर से गिर जाता है। आखिर में वो बूढ़ा आदमी शैली के सर पर एक हथौड़ा मार देता है जिस वजह से शैली को चोट आती है, लेकिन उससे उसे कोई इतनी भी खास चोट नहीं आती है। वो बस थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो उन सब की चपेट से भागने लगती है। वो खिड़की तोड़कर बाहर की तरफ कूद जाती है। इसके बाद दिखाते हैं वो तीनों लोग शैली का पीछा कर रहे होते हैं और वो उनसे बचते हुए रोड पर भागने की कोशिश कर रही होती है। उनसे बचते हुए शैली एक रोड पर पहुंच जाती है जहां पर एक ट्रक हिचहाइकर को कुचल देता है। ड्राइवर शैली की मदद करने के लिए ट्रक से बाहर तो आता है लेकिन लेदर फेस को देखकर वो वापस ट्रक की ओर भागने लगता है। लेकिन वो शैली को किसी तरह से अपने साथ ट्रक में अंदर ले आने में कामयाब हो जाता है, पर वो ट्रक को चालू नहीं कर पाते क्योंकि उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो दूसरी तरफ से निकलकर भागने लगते हैं। एक जगह रुककर वो ड्राइवर लेदर फेस के सर पे वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके चेनसो से उसी का पैर कट जाता है। लेकिन लेदर फेस अभी भी मरता नहीं है। वो उठ खड़ा होता है और उनका पीछा वापस से करने लगता है। शैली दौड़कर एक कार में बैठ जाती है और कार जाने लगती है। पीछे से लेदर फेस भी उसकी तरफ भाग रहा होता है और वो गुस्से में अपनी चेन शो भी चला रहा होता है। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से शैली को पकड़ सके। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 70s की हमारी जो हिंदी मूवीज होती थी उनके कंपेरिजन में इसकी स्टोरी काफ़ी अलग है। साथ ही ये एक स्लैशर मूवी है इसलिए ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आप आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच।